हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग पॉइंट 26 में आपका फिर से स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, आज हम आपसे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं हम ब्लड की। ब्लड में प्लाज्मा 60%, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी कितनी होती है? 40% होती है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तस्तरी नुमा होते हैं। आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है। और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। तो जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए को इस तरह से, बी को इस तरह से, और आरएच फैक्टर को इस तरह से बताते हैं। अगर आपको रुधिर के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च करिए रुधिर, तो आपको इसकी डिटेल जानकारी मिलेगी। उसमें रुधिर में मैंने प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब की विस्तृत जानकारी दी है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन समय में क्या होता था? यदि किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना में ब्लड की क्षति हो जाती थी तो क्या होता है, तो उसे ब्लड दे दिया जाता था। और ब्लड देने के बाद क्या होता था, ब्लड की क्लंपिंग शुरू हो जाती थी। क्लंपिंग शुरू हो जाती थी तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। ये होता रहता था। इस वजह से जो साइंटिस्ट थे, कार्ल लैंडस्टीनर, कौन से साइंटिस्ट? कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने सन 1902 में ये जानने के प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने देखा कि सभी व्यक्तियों का रुधिर जो होता है वो समान नहीं होता, अलग अलग प्रकार का रुधिर उनमें पाया जाता है। इसी वजह से जब ब्लड दे दिया जाता था तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो ब्लड में क्या हो जाता था, क्लंपिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती थी। कार्ल लैंडस्टीनर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ब्लड की आरबीसी में, इसमें आरबीसी में दो प्रकार की प्रोटीन होती है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि उसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है। ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रोटीन पाई जाती है, और आरबीसी में एंटीजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। एंटीजन के वजह से ही ब्लड को चार तरीके से बांट सकते हैं। एंटीजन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक ए और एक बी। यदि किसी ब्लड में ए एंटीजन है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। यदि बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। यदि दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। यदि दोनों एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ। अब ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी, ओ, चार प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि उनमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, और नहीं है तो निगेटिव है। प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, और अगर नहीं है तो निगेटिव होता है। अब आरएच फैक्टर क्या है, एंटीजन क्या है, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, सबसे पहले बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन अगर ए प्रेजेंट है तो रुधिर वर्ग कौन सा होगा? ए। अगर बी है तो बी रुधिर वर्ग है, यदि ए बी है तो ए बी रुधिर वर्ग है, यदि कोई एंटीजन नहीं है तो ओ रुधिर वर्ग होता है। इसी प्रकार जब हम एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे तो एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है? प्लाज्मा में। तो एंटीजन, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यदि इसमें दोनों यदि ए एंटीजन होता है तो इसमें एंटीबॉडीज बी होती है, या अल्फा। यदि इसमें बी एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी ए होगा, और बीटा इसे या एंटीबॉडी ए कहेंगे या इसे बीटा कहेंगे। यदि दोनों एंटीजन इसमें पाए जाएंगे तो एंटीबॉडीज कोई सी नहीं होगी, यदि इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए भी होगा, और जब कोई एंटीजन नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं एग्लूशन प्रोसेस की, जो नेक्स्ट हम बात करते हैं आश्लेषण या समूहन या क्लंपिंग की प्रोसेस, इसमें क्या होता है? प्राचीन समय में मैंने आपको बताया ब्लड दे दिया जाता था तो क्या हो जाता था, क्लंपिंग शुरू हो जाती थी। यदि किसी व्यक्ति को, यदि दोनों एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए उस ब्लड में पहुंच जाता है तो क्या होता है, क्लंपिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। यदि बी पहुंच जाए और एंटीबॉडीज भी है, एंटीजन भी है, तो उसमें क्लंपिंग की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपको मैंने बताया कि डायग्राम
ये बी है और ये ए है, तो जब ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, क्लंपिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। अब ये समूह बनाने लगते हैं, इस तरह से इन बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे से और समूह बनाना शुरू हो जाता है। जब समूह बन जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्लंपिंग की प्रोसेस भी नहीं होती है। नेक्स्ट, अब रुधिर की वंशागति, तो रुधिर की वंशागति का आधार उन्होंने किसको माना, आनुवांशिक के नियमों को। जो आनुवांशिकी के नियम है किसने दिए थे, जो मेंडल ने दिए थे। इसमें मल्टीपल एलील्स रहते हैं, ये संख्या में कितने होते हैं, तीन होते हैं, ये समजात गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। इनमें तीनों जीन में से केवल दो जीन ऐसे होते हैं जो समान भी हो सकते हैं और असमान भी। ओ ब्लड ग्रुप जो रहता है वो समान रहता है। इनमें दोनों जीव कैसे रहते हैं, को डोमिनेंट रहते हैं, यानी सब प्रभावी, किसी में कुछ प्रभावी होगा, किसी में कोई डोमिनेंट होगा, किसी में कुछ। यदि माता का रुधिर ए ए है, ए है या ए है, तो क्रॉस होगा तो ए बी इसमें बन जाता है। यदि पिता का रुधिर पर बी है और माता का ए है तो ए बी बन जाएगा, तो सभी संतानें कैसी होंगी, ए बी ही होंगी। यदि माता का रुधिर ए है या ओ है और पिता का रुधिर बी है और बी है, तो इसमें आधी संतानें ए बी होंगी जब क्रॉस होगा, और आधी संतानें बी पॉजिटिव बी होंगी। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी। और जब माता का रुधिर ए ए है और पिता का बी ओ है, तो कुछ आधी संतानें ए बी होंगी और आधी संतानें ए रुधिर वर्ग के होंगी। और जब यदि माता का रुधिर वर्ग ए या ओ है और पिता का बी या ओ है, तो जब ओ क्रॉस होगा तो क्या होगा, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ बी हो सकता है, और ए बी भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट, अब हम आर एच एंटीजन की बात करें, तो लैंडस्टीनर और बीनर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सन 1940 में एक रईसस नाम का बंदर लिया। तो आर एच फैक्टर जो नाम दिया गया रईसस के, आर एच रईसस बंदर का आर एच ले लिया गया है, इसलिए इसको आर एच एंटीजन या आर एच फैक्टर कहा जाता है। तो आर एच फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आर बी सी के ऊपर। तो रईसस जो बंदर था, उन्होंने उसका ब्लड लिया, उन्होंने ससक या गिनी पिक के शरीर में इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि उसमें अपने आप एंटीबॉडी उसके प्रति एंटीजन है, तो एंटीबॉडीज फॉर्मेट हो जाती है। और उन्होंने मनुष्यों के रुधिर को टेस्ट करने पर पाया कि इसमें 85% प्रतिशत मनुष्यों के रुधिर में क्लंपिंग भी हो जाती है, किसी एंटीबॉडीज किसी में उसके अगेंस्ट बन जाती है और किसी में नहीं बनती। तो इसमें जो अतः इनमें देखा कि एंटीजन उपस्थित है यदि, तो उनको उन्होंने आर एच पॉजिटिव कहा, और जिसमें नहीं है तो उन्होंने उसको आर एच निगेटिव कहा। यदि माता आर आर है और पिता कैपिटल आर, तो इसमें क्या होगा, सभी संतानें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जब क्रॉस होगा तो सभी संतानें कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, यानी आर एच फैक्टर उनमें उपस्थित होगा। यदि स्मॉल आर इसमें क्रॉस होगा, तो आधी संतानें पॉजिटिव होंगी और आधी संतानें निगेटिव होंगी, यानी आधी संतानों में आर एच फैक्टर उपस्थित होगा, यानी आर एच आधी संतानों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और आधी संतानों का निगेटिव होगा। नेक्स्ट, अब हम ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करेंगे, यानी रक्त समूह कैसे निर्धारण करेंगे कि हमारा ब्लड कौन सा है, हम कौन से ब्लड ग्रुप के हैं, ए के हैं कि बी के हैं कि ए बी है या ओ है, तो ये हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक स्लाइड लेते हैं, स्टलाइड लेते हैं, जैसे कि मैंने देखा कि ली मैंने स्टलाइड लाई, और किसी व्यक्ति जब हमने स्लाइड ली तो उसमें किसी व्यक्ति का ब्लड भी कलेक्ट किया, तभी तो पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो किसी व्यक्ति का ब्लड लिया, तो मैंने इसके तीन सेक्शन बनाए थे स्लाइड के, ए बी और डी सेक्शन। तो इसमें क्या किया, जो ए सेक्शन था उसमें एक ड्रॉप ब्लड की, और बी सेक्शन में एक ड्रॉप ब्लड की, और डी सेक्शन में एक ब्लड की ड्रॉप डाली। उसके बाद हमने एंटी सीरा ए लिया जो ए में इंजेक्ट मिक्स किया, और बी में एंटी सीरा बी लिया जो बी में मिक्स किया, एंटी सीरा डी लिया जो हमने डी सेक्शन में मिक्स किया। और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ए सेक्शन था उसमें क्लंपिंग होने लगती है, बी सेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता और डी सेक्शन में भी क्लंपिंग शुरू हो जाती। तो ए सेक्शन में यानी डी सेक्शन में हो रही, तो इसमें क्या है, आर एच पॉजिटिव यानी आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे कि ये आर बी सी है, तो जब डी सेक्शन में हो गई तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट हो गया, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है।
अब आर एच फैक्टर है तो यानी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव कौन सा है, तो बी सेक्शन में कोई क्लंपिंग नहीं हो रही, एक सेक्शन में हो गई, तो क्या है इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है। जब एंटीजन ए प्रेजेंट है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए पॉजिटिव, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा। इसी तरह से हमने बार बार इसको किया तो हमने पाया कि जब हमने बी वाला किया तो इसमें देखा कि बी में क्लंपिंग हो गई और डी सेक्शन में हो गई, ए में कुछ नहीं हुआ, तो ये कौन सा है, बी पॉजिटिव है। अगर तीनों में क्लंपिंग हो गई तो ये ए भी पॉजिटिव है। इसी तरह से हमने देखा कि क्लंपिंग होती है और किस में नहीं होती, तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, और ऐसा टाइम, ऐसा समय भी आता है, ऐसा टाइम भी आता है जिसमें किसी में क्लंपिंग नहीं हुई। जब किसी में क्लंपिंग नहीं हुई, आर एच फैक्टर में भी नहीं हुई, तो वो नेगेटिव चार्ज है और ना ए में है और ना ही बी में है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट, अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करें यानी रक्तदान की बात करें। प्राचीन समय में ये प्रोसेस शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में ब्लड लॉस होता है तो उसको ब्लड डोनेट कर दिया जाता था, ब्लड चढ़ा दिया जाता था। जब ब्लड चढ़ाया जाता था तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उसकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि उसको कौन सा ब्लड देना चाहिए और कौन सा ब्लड नहीं देना चाहिए। तो रक्तदान की प्रोसेस प्राचीन समय से ही चली आ रही है। तो क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाते हैं तो ये जांच कर लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है और कौन सा नहीं, ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, या नेगेटिव चार्ज है उसमें। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी पॉजिटिव है, अगर एक एंटीजन है तो ए पॉजिटिव है, और अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। अगर एंटीजन ए बी दोनों है लेकिन आर एच फैक्टर नहीं है तो इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी नेगेटिव। तो इस तरह से हम ब्लड की जांच कर लेते हैं और उसके बाद हम ब्लड देते हैं किसी व्यक्ति को। तो डोनर और रिसीवर में क्या संबंध होता है, दोनों में जिन बातों को ध्यान रखना चाहिए, क्या कि ब्लड ग्रुप कैसा हो, वो किस तरह से दिया जाए कि उनका समूहन या क्लंपिंग की प्रोसेस ना हो। तो जो ए ब्लड ग्रुप होता है वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, इसी प्रकार बी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ सभी को दे सकता है। तो आपने देखा जब ओ सबको दे रहा है, सबको देने वाला है, तो इसको क्या कहते हैं, सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर। इसी प्रकार आपने देखा कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ले रहा है, सबसे ले रहा है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर है। जब ये सबका ब्लड ले रहा है तो यूनिवर्सल रिसीवर यानी सार्वत्रिक प्रापक है, सबसे ब्लड प्राप्त कर रहा है। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको देना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति में जो ब्लड लॉस हुआ है वो उसकी पूर्ति हो जाए, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। नेक्स्ट, अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति की, जो साइंटिस्ट थे लेवाइन, उन्होंने लैंडस्टीनर और बीनर ने उसका इस पर अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि जो बच्चा होता है यानी जो शिशु होता है उसके जन्म से पहले ही गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। किसके वजह से, इस रोग की वजह से, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की वजह से। क्यों क्यों हो जाती है, उसमें उन्होंने देखा कि आर एच पॉजिटिव अगर पिता है यानी जो मेल है वो आर एच पॉजिटिव है और फीमेल है जो आर एच नेगेटिव है, उनकी अगर शादी कर दी जाती है तो पहली संतान जो होगी मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो वो स्वस्थ होगी, लेकिन जो सेकंड चाइल्ड होगा उसकी भ्रूणावस्था जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो उसमें ही उसकी मृत्यु गर्भाशय के अंदर ही हो जाती है। तो आर एच जो लक्षण है प्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित कर लिया जाता है, किया जाता है, अतः आर एच पॉजिटिव पिता और माता निगेटिव है तो सभी संतानें आर एच पॉजिटिव ही होंगी। और जब आर एच पॉजिटिव एम्ब्रियो होगा तो आर एच निगेटिव माता के वृद्धि करते समय आर एच निगेटिव माता के रुधिर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो बाद में आर एच पॉजिटिव रुधिराणु के क्या हो जाती है, क्लंपिंग की प्रोसेस हो जाती है। जो एंटीबॉडीज बनती है तो उनमें जन्म के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी वजह से, ब्लड क्लंपिंग की वजह से, इसकी फीटस की, तो ये इस रोग की वजह से होती है। नेक्स्ट, अब रुधिर के महत्व की बात करें तो रुधिर जो ब्लड ग्रुप है उसको अगर जांच लिया जाता है तो पता चलता है कि जैसे अगर माता का ओ है, पिता का ओ है, तो संभव प्रयास ओ है,
इससे किसी भी व्यक्ति का ब्लड का पता लगाया जा सकता है। यदि माता और पिता का ब्लड जांच करते हैं या चेक कर लिया जाता है तो बच्चों की या संतान यदि माता पिता का ब्लड चेक कर लिया जाता है तो संतान की संभवतः ज्ञात कर लेते हैं कि संतान किस ब्लड ग्रुप की होगी। यदि ओ माता का है, ओ पिता का है, तो संतान कैसी होगी? ओ ब्लड ग्रुप की है, ना ही ए हो सकती है, बी भी नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि ओ है और ए है तो ओ भी हो सकती है और ए भी हो सकती, अगर बी भी हो सक बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। इस तरह से इस चार्ट में दर्शाया गया कि किस ब्लड ग्रुप का, अगर किस ब्लड ग्रुप से मैच किया जाए तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है, संभव है। और रुधिर दान या रुधिर बैंक की बात करें तो रुधिर दान रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, सभी बड़े बड़े चिकित्सालय उनमें क्या किया जाता है, रुधिर को एकत्रित कर लिया जाता है और विशेष विधियों द्वारा उसको सुरक्षित रखा जाता है कि आगे उसका यूज कर सकें। आपने देखा होगा कि कई जगह बड़े बड़े ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए जाते हैं, वो इसी वजह से किए जाते हैं कि उनमें अपना अपना ब्लड डोनेट करते हैं व्यक्ति। तो किसी भी व्यक्ति का ब्लड 450 ml यानी एक पिट के बराबर इकाइयों में 30 दिन, किसी भी व्यक्ति का जो ब्लड है एक यूनिट यानी 450 ml 30 दिन तक ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। किसी भी जो डोनेशन डोनेट करने आता है ब्लड, उसका ब्लड जांच कर लिया जाता है और उसको सोडियम सिट्रेट मिलाकर सील बंद करके बोतलों में रख दिया जाता है, फ्रीज कर लिया जाता है, जो आगे रीयूज किया जाता है। इस तरह से आपने नेक्स्ट कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति में अलग प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया यदि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी है तो बी है, और अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की आरबीसी में एम एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप एम होगा, यदि उसकी एन एंटीजन है तो उसका एन होगा, दोनों एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप एन एम एन है। कई प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों में यानी कहें कि हजारों या लाखों में किसी एक व्यक्ति में देखा गया है कि उसका ब्लड ग्रुप एम है या एम एन है, ऐसा होता है। तो डफी रुधिर वर्ग, लूथिरॉन रुधिर वर्ग, लेविस रुधिर वर्ग, केल रुधिर वर्ग, किड रुधिर वर्ग, जब अलग अलग प्रकार का रुधिर वर्ग जो एक तरीके से बिरला है उस देखने को मिलता है तो उसको अलग से हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, उनका नाम रख दिया जाता है, उनका नाम रख दिया गया है कि अलग अलग ब्लड इस तरह से पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से ब्लड के बारे में जानकारी ली और ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा की। तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।